ठीक है। हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज की क्लास में हम सबसे मेन कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं 8.1 ए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर के अंदर 8वें चैप्टर को, जिसमें कि हम यूज सीखेंगे इंटीग्रेशन का, कैसे यूज किया जाता है और इंटीग्रेशन के यूज से किस तरीके से किसी भी शेप का एरिया हम निकाल सकते हैं। तो हालांकि मैं आपको एग्जाम्पल्स ना करा करके सीधा एनसीईआरटी 8.1 के सीधा क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, पर उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से खुद भी करेंगे, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएं। एक दो क्वेश्चंस मैं आपको भी छोड़ता हुआ चलूंगा और सॉल्यूशन के साथ ही साथ हो जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन के डाउट आते ही हैं, इसलिए क्वेश्चन मुझे ही कराना बनता है। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। तो एक काम करते हैं, 8.1 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इस क्लास को हम अच्छे से समझ सकें तो हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा? हमारी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1। क्या आप सभी का एग्जाम्पल नंबर 1 दिख रहा है मुझे? हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दिख रहा है आपको? क्या स्क्रीन पे एग्जाम्पल नंबर 1 देख पा रहे हैं सभी? यस सर। तो जरा मुझे पढ़ के बताओ एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोला गया है। तो कोई बताना चाहेगा एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है तो क्यों होता है? सर बस याद करा था, आज तक किसी ने बताया नहीं क्यों ऐसा होता है। तो क्योंकि जिस क्लास को अभी तक हम पार करते हुए आए हैं, तो उस क्लास में अगर कोई ये बताता कि पाई आर स्क्वायर क्यों होता है तो समझदारी नहीं होती, क्योंकि उसके लिए इंटीग्रेशन भी हमारे को आना चाहिए था। और इंटीग्रेशन अब हमें आता है तो हम हर तरीके से किसी भी शेप का एरिया निकाल सकते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ सर्कल ही नहीं, एरिया ऑफ एलिप्स, एरिया ऑफ पैराबोला, अलग अलग शेप से जो बनते हैं, जो हमने लास्ट क्लास हमने ग्राफ बनाए थे, ग्राफ के अंदर किसी भी तरीके की अगर कोई भी शेप बन जाती है तो भी हम एरिया निकाल सकते हैं। तो क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। जैसे कि सबसे पहले बात आती है एग्जांपल नंबर 1 की। तो आपको सभी को स्क्रीन पे मेरा हाथ दिख रहा है? क्या स्क्रीन पे मेरा हाथ दिख रहा है सभी को? ये देखो, हेलो 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 हेलो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बात करी एग्जाम्पल नंबर 1 की, एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में जैसा कि आपने देखा होगा कि एक सिर्फ सर्कल की इक्वेशन दी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मात्र एक इक्वेशन उसने दी और उसने कहा एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करो, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन को फिर से दिखा देता हूँ जिस क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूँ। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर मैं इसकी कंपेयर करता हूँ इससे एक्स माइनस एक्स के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से, डन। तो सभी एक चीज बताओ, अगर मैं इस इक्वेशन की एक्स माइनस एक्स के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से कंपेयर करता हूँ, तो एच कॉमा के, जो आपने 11th क्लास में भी सीखा था प्रियांशु, आपको भी ये कॉन्सेप्ट समझ आता जाएगा। एच कॉमा के सेंटर क्या होगा? सेंटर इज, सेंटर क्या होगा? कंपेयर करूंगा तो सेंटर क्या रहा होगा जरूर, एच की जगह और के की जगह क्या रहा होगा? बोलो बोलो सभी बोलो, जीरो 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 कॉमा जीरो। और रेडियस क्या आएगा बेटा जी इसका? ए स्क्वायर ए। तो खुद बताओ, अगर किसी सर्कल का रेडियस आपको पता है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर आप कह रहे हो पाई आर स्क्वायर होता है तो इसका सर्कल का एरिया क्या आना चाहिए? पाई ए स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर, वेरी गुड। पर सिचुएशन आती है कि मेरा क्वेश्चन तो ये है कि क्यों, तो सभी ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। छोटी छोटी बातें होंगी, हालांकि आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, पर फिर भी कोशिश करना मेरे साथ समझने की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी, ठीक है। देखिए जरा, सबसे पहले x एक्सिस y एक्सिस अपनी जगह हो गए, सेंटर ओरिजिन 0 0 अपनी जगह हो गया। अगर मैं बात करता हूँ a रेडियस है, तो सपोज रेडियस a आगे रहा होगा, सेंटर से रेडियस पीछे रहा होगा, a ऊपर रहा होगा और a नीचे रहा होगा, बोलो हाँ।
तो सर्कल तो कुछ इसी तरीके से ड्रॉ होगा ना जो मैं कर रहा हूँ, बोलो हाँ। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ए कोमा जीरो, ये वाला पॉइंट क्या होगा माइनस ए कोमा जीरो, ये वाला पॉइंट क्या होगा, बोलो बोलो सभी बोलो, ये वाला पॉइंट क्या होगा जीरो कोमा ए, और ये वाला पॉइंट क्या होगा जीरो कोमा माइनस ए, डन। हालांकि आज ये हमारी पहली क्लास का पहला क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा कम समझ आए, पर फिर भी आज जो इतने भी क्वेश्चन में आगे की कराते जाऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अब एक चीज बताओ, क्या ये चारों पार्ट के जो शेडेड है, अगर मैंने जितना पार्ट शेड करा है इसी का चार गुना कर दूं तो सारा एरिया रहेगा सर्कल का, बोलो हाँ, क्या सर्कल का सारा एरिया रहेगा अगर मैं इतना पार्ट का एरिया निकालता हूँ जिसमें मैं नाम देता हूँ, चलो ओ ए बी सी ओ, मतलब मैं अभी एरिया निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड, बाउंडेड ये लैंग्वेज होती है लिखने की, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय ओ ए बी सी ओ, बंद भी करते हैं उसे वापस, ओ ए बी सी ओ, बी मतलब इसलिए लिया क्योंकि कर्व है घुमाने के लिए, अगर मैं ओ ए सी ओ बोलता तो ऐसा लगता जैसे कोई ट्राइंगल जैसा है, इसलिए ओ ए बी सी ओ एक कर्व है, तो जिसमें कि हमारे को एरिया निकालना है। और हमेशा याद रखना अगर आप वर्टिकली स्टेप लेते हो, अब जो छोटी सी बात मैं बोलने जा रहा हूँ, देखो एक पतली सी लाइन खींची मैंने, पतली सी लाइन सबको दिख रही है, मैंने ये वर्टिकली खींची है या हॉरिजॉन्टली खींची है, बताओ ये वर्टिकली खींची है या हॉरिजॉन्टली खींची है, वर्टिकली, जो हम खड़ी भी लाइन खींचते हैं उसे वर्टिकली बोलते हैं, और जो लेटी भी लाइन होती है उसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो वर्टिकली लाइन जब भी आप ड्रॉ करोगे तो आप हमेशा वाई डी एक्स लोगे, वाई डी एक्स लेने के पीछे रीजन ये होता है ये एक्स में चेंज है, एक्स में चेंज कहां से कहां तक है, अगर मुझे एरिया निकालना है तो जिस पे ये लाइन टिकी भी होगी वो जीरो से ए तक था, तो वो दायरा हो गया जीरो से ए, और ये सिर्फ टच किससे है, ये टच किससे है इक्वेशन फर्स्ट के ग्राफ से, यानी सर्कल से टच है। तो ये चीज जो अभी मैंने बोली है ये आपको थोड़ी कम समझ आई होगी, क्योंकि आने वाले क्वेश्चनों में ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पहले ऐसे समझो, इतना एरिया अगर निकालना है तो जीरो से ए तक का दायरा हो गया, और इक्वेशन किसकी आएगी वाई की, और वाई किससे टच है इक्वेशन फर्स्ट से। अब इक्वेशन फर्स्ट का जब आप वाई खाली करोगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से खाली करके सोचो, वाई की वैल्यू यहाँ से खाली करूंगा तो क्या आएगी, वाई की वैल्यू क्या आएगी बोलो, वाई की वैल्यू हमेशा हर क्वेश्चन में वर्टिकली स्टेप के टाइम पे आपको वाई डी एक्स लिखना है, ये छोटी सी चीज रट रही है अभी, क्या लिखना है वाई डी एक्स लिखना है, हल्की सी चीज अभी मैं रटने के लिए बोल रहा हूँ, पर बाद में अब आपको समझ आती चली जाएगी तीसरी चौथी वीडियो में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले ये क्लियर है वाई डी एक्स लिखेंगे, और वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिससे स्टेप टच होगी, यहाँ तो पूरा क्वेश्चन में एक ही सर्कल था तो उसी से ही टच होगी, तो वाई डी एक्स, और जीरो से ए क्यों लिया, क्योंकि मैं जो दायरा निकाल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक है, ये दिख रहा है जीरो से ए, तो जीरो से ए तक का दायरा लिया वाई डी एक्स, और वाई की वैल्यू जब मैं प्रोमिसेशन फर्स्ट खाली करूंगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई इज इक्वल टू क्या रहेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है, तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब एक चीज बताओ, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अपने आप में, कौन बताना चाहेगा हैंड रेज कर दीजिए, कौन बताना चाहेगा हैंड रेज कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले का यूज होगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला कौन बताना चाहेगा, हैंड रेज कीजिए चाहे चिटिंग करके बोलो, हमारी 7.7 एक्सरसाइज इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड थी इंटीग्रेशन के अंदर, मेरी वॉइस क्लियर है ना सभी को, तो जरा बताएंगे क्या मुझे कि कैसे होगा फॉर्मूला, चलो कोई नहीं बता रहा तो मैं ही बता देता हूँ, इतनी देर वेट करने बैठे तो हो लिया काम, बताओ बताओ, चलो शाबाश बताओ, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स बाय टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, हाँ प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, वेरी गुड शाबाश, तो ये फॉर्मूला सभी को याद रखना है, क्या मेरी राइटिंग क्लियर है ना सभी को, किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना पढ़ने में आज, बोलते रहिए प्लीज, ठीक है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है पढ़ाते हुए भी, x by 2 same plus a square by 2 sine inverse x by a, x by 2 same plus a square by 2 sine inverse x by a plus c, अब वो 0 to a लिमिट के क्वेश्चन में c नहीं लिखते, अब बात आती है कि जहां जहां x दिखेगा वहां क्या रखूंगा a रखूंगा, फिर माइनस करके जहां जहां x दिखेगा वहां क्या रखूंगा 0 रखूंगा,
ये बात पता है, बोलो हाँ। जहां जहां एक्स के का मान ले वहां पे क्या रखो, ए रखो, तो ए बाई टू इंटू जीरो ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई ए माइनस फिर जीरो प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स जीरो। फिर अगर आप सभी ध्यान से देखें तो ये तो जीरो हो गया, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स वन आया है ना, और ये सब जीरो हो गया। अब बात आती है वन साइन में किस एंगल की वैल्यू होती है, वन साइन में किस एंगल की वैल्यू होती है, 90 डिग्री या 0 डिग्री, बोलो बोलो। वन साइन में किस एंगल की वैल्यू होती है, 90 डिग्री, 90 की। तो साइन 90 डिग्री लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू इंटू पाई बाई टू। तो आंसर पता है क्या आया है, पाई ए स्क्वायर बाई फोर आया है। पहले ये क्लियर है, बोलो हाँ। इतना सबको दिख रहा है पाई ए स्क्वायर बाई फोर, पर रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया होगा फोर इंटू पाई ए स्क्वायर बाई फोर। क्यों, क्योंकि चार गुना हो जाएगा, मैंने तो अभी पाई ए स्क्वायर बाई फोर इतना एरिया निकाला है, इसका चार से इंटू करो तो चारों का एरिया आ जाएगा ना। तो इन शॉर्ट फोर से फोर कट जाएगा, पाई ए स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूलना जब भी आप एरिया निकालो। सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें, ओए पाई ए स्क्वायर फॉर्मूला बना लिया हमने, अगर रेडियस आर होता तो आंसर क्या था, पाई आर स्क्वायर, और रिक्वायर्ड एरिया मतलब इन शॉर्ट सर्कल ही तो है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई ए स्क्वायर। आया समझ, बोलो हाँ। ये फॉर्मूला सभी प्लीज अपने पास रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, एक मिनट के लिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए क्योंकि मैं पेज चेंज कर दूंगा। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, खींच लिया, बोलो हाँ जी भैया, ठीक है ओके। तो शक्ति भैया का मैसेज आया है, उसको रिप्लाई कर दूं, ओके बेटा जी, डन। सर फिर से स्क्रीन चली गई। हाँ एक्चुअली मैंने बोला ना, मैसेज कर रहा था शक्ति भैया जो हमारे बैच में है, ठीक है, करें रेडी, आगे बढ़ जाओ, स्क्रीन दिख रही है सभी को, यस सर। चलिए तो जैसा कि अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एग्जांपल नंबर कौन सा दिख रहा है, एग्जांपल नंबर, चलो एक काम करते हैं रुक जाओ, एग्जांपल नंबर टू देखते हैं, टू ज्यादा हो जाएगा, थ्री देखते हैं, नहीं थ्री नहीं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। चलो रेडी, सुनो, देखो पहला क्वेश्चन दिख रहा है 8.1, क्या सभी को 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर दिख रहा है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1? यस यस सर। देखो जरा 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए जरा सभी, अपने अपने मन में क्या क्या बोला गया है, देखो मैं लिख लूं पहले जरा, एन सी ई आर टी क्वेश्चन नंबर 1 8.1 एक्सरसाइज। जैसे कि एक कर्व की क्वेश्चन दी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1 की एक लाइन है, एक्स इज इक्वल टू 4 की एक लाइन है, एक्स एक्सिस भी बोला है और साथ में फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोला है, क्वाड्रेंट भी बोला है ना। क्वेश्चन देखो सुनो, जैसा कि अब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैंने कंप्लीट क्वेश्चन आप सभी के सामने लिख के रख लिया, वही वाला उसने इन्हीं चीजों से मिला के क्वेश्चन बनाया था, बोलो हाँ। बोलो हाँ भैया, y स्क्वायर इज इक्वल टू x का ग्राफ क्या होता है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, सोचो सोचो, लास्ट क्लास हमने पढ़ा था y स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो पैराबोला अभी तो पता ही होगा, y स्क्वायर का ग्राफ कहाँ बनता था, लेफ्ट में राइट में ऊपर या नीचे, सर राइट में, राइट में, यानी कि एक पैराबोला बनाऊंगा मैं, ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट वो क्या थी, y स्क्वायर इज इक्वल टू x का ग्राफ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, नो सर। अब एक चीज समझते हैं, फिर उसने x इज इक्वल टू 1 की लाइन बोली है, तो अगर देखा जाए तो x इज इक्वल टू 1 की लाइन यहां से खींच दूं 1 पे से,
ये अगर सपोज y एक्सिस है तो x इज इक्वल टू 1 की लाइन ये हो गई, बोलो हाँ, और 2, 3, 4 और x इज इक्वल टू 4 की लाइन यहां से खींच दी, डन। x इक्वल टू 1 की लाइन, x इज इक्वल टू 4 की लाइन, ये लाइन ड्रॉ करना तो आता है ना, बोलो हाँ। Yes, अब sir. एक चीज बताओ, अलोंग x एक्सिस बोला है तो x एक्सिस में सारी शेड तो ये सारी आ गई बोथ, पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी शेड हो गई? अब एक चीज बताओ, अगर वो 1 नहीं देता तो मैं कॉमन शेड ये वाली लेता, ये सारी, पर अगर x इक्वल टू 1 भी बोला 4 भी बोला तो इनके बीच का एरिया लूंगा ना ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहले ये समझ आना जो मैं शेड कर रहा हूँ कौन सा एरिया है। हाँ जी, हमें ये एरिया फाइंड करना है पहले, किसको ये समझ नहीं आ रहा ये वाला एरिया फाइंड करना है? ऐसा क्यों पहचाना? ऐसा इसलिए पहचाना इन सब से मिलके सिर्फ और सिर्फ यही क्वाड्रेंट आ रहा है, इन सारी बातों का जो सेंस निकल रहा है। पहले हमारे को सेंस निकालना पड़ता है कि कॉमन शेड कौन सी है। कॉमन शेड इस वक्त हमारे को पता चली है कि 1 से लेकर के 4 तक के दायरे में है, और अगर मैं स्ट्रिप खींचता हूँ ऐसे करके एक स्ट्रिप बीच में, तो वो टच किससे होगी? ये देखो, ये स्ट्रिप जो पतली सी लाइन है वो किससे टच है? वो टच है पैराबोला से, डन। तो यानी कि रिक्वायर्ड एरिया जब मैं निकालूंगा, तो ये तो मैंने बताई दिया वर्टिकली स्ट्रिप में वाई डी एक्स लिखेंगे, बोलो हाँ। तो जो वाई डी एक्स लिखेंगे, ये वाई किससे टच है, ये स्ट्रिप किससे टच है, किस कर्व से टच है, यानी इक्वेशन फर्स्ट से टच है, बोलो हाँ। और बात आती है कि जो दायरा है वो कहां से कहां तक लूंगा। देखो, अगर मैं 0 से लेकर के 4 तक लूंगा तो ऐसे समझो कि मैं 0 से 4 तक में नीचे तक का सारा एरिया निकाल दूंगा पैराबोला के अकॉर्डिंग, मतलब ये वाला जो खाली पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये भी निकल जाएगा। पर मुझे तो एरिया चाहिए 1 से 4 तक का, नोटिस करो। अगर मुझे और आगे चाहिए होता, सपोज यहाँ पे 2 है तो मैं 2 से 4 तक का लेता, अगर सपोज 3 होता तो 3 से 4 तक में ये वाला एरिया आता, सिर्फ इतना इतना मैंने हाथ रखा हुआ है। अगर 1 से 4 ले रहा हूँ तो ये सारा एरिया रहेगा, 0 से 4 लूंगा तो ये सारा एरिया रहेगा, क्लियर है? तो मैं इसका दायरा कहां से कहां तक लूंगा? 1 से लेके 4 तक, ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब इसे आप एक बेसिक छोटी सी ट्रिक से समझते हैं। सपोज मुझे एक पेंट की बाल्टी ली मैंने, और पेंट की बाल्टी इसकी सतह पे ऊपर से मैंने गिरा दी, तो मेरे को अगर सिर्फ इतना एरिया चाहिए तो क्या मैं यहाँ पे भी पेंट की बाल्टी गिराऊंगा? सोचो, मान लो मुझे पेंट की बाल्टी मेरे को यहाँ से गिरानी थी जिससे वो पेंट बहता हुआ नीचे तक आ जाए, ठीक है, यानी एरिया इन शॉर्ट। अगर वो पेंट की बाल्टी का जो कलर है वो नीचे तक जो बहता हुआ आएगा, तो मैं क्या जान के यहाँ पे पेंट बिखेरूंगा जो एरिया मुझे चाहिए नहीं? नो सर। तो यानी कि जो पेंट मुझे जहां से जहां तक चाहिए, तो वो दायरा होता है, उसे दायरे को बोलते हैं लिमिट, यानी 1 से लेके 4 तक, यानी मैं 1 से ही फेंकूंगा पेंट की बाल्टी। देख लो, ये 1 की लाइन है ना, ये 4 की लाइन है, तो मैं 1 से 4 के बीच में ही फेंकूंगा लाइन, क्लियर है, बोलो हाँ। तो 1 से 4 तक का आ गया वाई डी एक्स आ गया। अब ये वाई किससे टच था? ये टच था इक्वेशन फर्स्ट के कर्व से। अब इक्वेशन फर्स्ट से वाई की वैल्यू क्या आएगी? देखो जरा, इक्वेशन फर्स्ट से वाई की वैल्यू क्या आएगी? बोलो बोलो, इक्वेशन फर्स्ट से वाई की वैल्यू क्या आएगी? इक्वेशन फर्स्ट से, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, शाबाश, रूट एक्स। और क्या आप सभी रूट एक्स का इंटीग्रेशन बता सकते हैं? मैं हालांकि बता देता हूँ, चलो एक्स स्क्वायर 1/2 लिख सकते हैं, और एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन सभी को आता होगा। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/2 x plus 1/2 plus 1. तो मैं भी करता हूँ, चलो, तो x की पावर 1/2 plus 1, 1/2 plus 1, ये होल की यहाँ पे 1 से 4 लिमिट आ जाएगी। इन शॉर्ट x की पावर 3/2 लिख के 2/3 लिखा जा सकता है, और लिमिट हो गई है 1 से 4। तो जहां जहां x होगा, क्या बोला बेटा जी मैंने, जहां जहां x होगा वहां क्या लिखूंगा पहले? क्या लिखूंगा पहले? 4 लिखूंगा, फिर जहां जहां x होगा वहां क्या लिखूंगा? 1 लिखूंगा। तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, डन। तो 2/3, 2 की पावर तो जाएगा 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, माइनस 1 हो गया, तो आंसर क्या आ गया? 2/3 इंटू 8 माइनस 1 7, तो 7 इंटू 2 14, 14/3। स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूलना, आया समझ बेटा जी कैसे कराया मैंने? बोलो हाँ। ये क्वेश्चन किसको क्लियर नहीं हुआ है? पहला क्वेश्चन सबको समझ आ गया? पहले प्लीज सभी रिप्लाई करिए एक बार, हैंड रेज करके, चाहे हैंड रेज करके करिए या ऐसे करके रिप्लाई करके, प्लीज 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 प्लीज, मुझे सबके मैसेजेस चाहिए।
सभी प्लीज अपने हैंड रेज कर दीजिए, अंजलि, खुशी, आशी, मयंक, अर्चिता, अर्चना, इशिका, अंजलि चौहान, निहारिका, रौनक बेटा आपको समझ नहीं आया क्या? यस सर। आगे समझ? यस सर। चलो एक काम करते हैं, सभी जो है प्लीज 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 मेरे कहने पे क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार देखो, क्या सेम क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है सभी को? यस सर सेम है। सेम है तो एक बार इसे आप करेंगे ट्राई। ओके सर। ठीक है तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके हैंड में छोड़ देता हूँ, इसे घर पे करना खुद से। और इसी के जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो सुनो क्वेश्चन नंबर 3 से आज एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे। अब हम देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है सभी को? मैं क्वेश्चन नंबर 3 को अपने पेज पे लिख लेता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y गिवन है, y इक्वल टू 2 गिवन है, y इक्वल टू 4 गिवन है, y एक्सिस गिवन है और फर्स्ट क्वाड्रेंट गिवन है। डन। अब इससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जिसके अभी थोड़े बहुत बने भी होंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को सारे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं क्या कि मैंने क्वेश्चन कंप्लीट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्स स्क्वायर का ग्राफ कहां बनता है? लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, जल्दी जल्दी बोलो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का ग्राफ ऊपर, वेरी गुड दीदी। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कहां बनता है? ऊपर की तरफ बनता है, तो मैंने ऊपर की तरफ ग्राफ बना दिया, बोलो हाँ। अब ये इसको इक्वेशन का नाम दिया, जैसे इक्वेशन फर्स्ट थी ये, तो इक्वेशन फर्स्ट को ही क्लियर है, बोलो हाँ। अच्छा एक चीज बताओ, y इज इक्वल टू 2 की लाइन ऐसे खींचेगी या वर्टिकली खींचेगी, हॉरिजॉन्टली खींचेगी या वर्टिकली खींचेगी y इज इक्वल टू 2 की लाइन? सर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल तो 1 2 3 4 1 2 3 4 y की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 2 की लाइन क्या हो गई? ये वाली। y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 की लाइन क्या हो गई? ये वाली। अगर आप नोटिस करो तो पेंट जो है मेरे को कहां से कहां तक शेड चाहिए भाई? ये वाला शेड चाहिए ना, देखा जाए तो बोलो हाँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है, हाँ ये बात क्लियर है, ये वाला ही शेड चाहिए। यस सर। अब एक चीज समझो, अगर मैं जान के पता है स्ट्रिप की एक खासियत होती है, अगर मैं स्ट्रिप ऐसे खींचूंगा तो मेरी मजबूरी है नीचे तक पेंट बिखरता आएगा। क्या मुझे नीचे तक पेंट बिखेरना है? अगर मैं यहां से बिखेरूंगा तो क्या मैं यहां से पेंट बिखेरूं नीचे को, या इस तरफ से बिखेरूं? मतलब मैं ऐसे बिखेरूं जो मैंने ये वाली स्ट्रिप खींची है, या स्ट्रिप ऐसे खींचूं? सर हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली अगर मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप खींची है, जरा समझना आप, जरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्या होता है खेल। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने पे जो आपका रिक्वायर्ड एरिया आएगा, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में एक्स डी वाई लिखोगे। क्या लिखोगे? एक्स डी वाई, क्योंकि आप वाई में चेंज कर रहे हो एक्स का, एक्स डी वाई। और ये कौन सी इक्वेशन से टच है? इक्वेशन फर्स्ट से। तो याद रखना आप छोटी सी लाइन, अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हो, ठीक है, अगर आप वर्टिकल ऐसे स्ट्रिप ले रहे हो तो आप y dx लिखते हो इंटीग्रेशन में। अगर आप हॉरिजॉन्टल ले रहे हो, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से स्ट्रिप ले रहे हो, तो x dy लिखोगे, बोलो हाँ। ठीक है, अब ये आपको और आगे आने वाले क्वेश्चनों के साथ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं दायरा, अब खुद सोचो यहां से तक का दायरा क्या होगा, सोच के बोलना कोई भी एक जना, दायरा बताओ क्या होगा, कोई भी एक जना बोलो दायरा क्या होगा? 2 to 4। वेरी गुड, 2 to 4, 2 से लेके 4 तक x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू क्या आएगी? 2 root y। मैं जिसे मैं क्या लिख सकता था, 2 root y लिख सकता था। अभी y का इंटीग्रेशन करा था ना, y की पावर 3/2 into 2/3 जैसे x का करा था। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, जरा जो मैं करने जा रहा हूँ, 4/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, 4/3, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। और से रूट 2 का स्क्वायर लिख दूंगा, पता है इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। 2 से 2 कटा, इसे जान के रूट 2 करके स्क्वायर हटा दिया। अब पता है क्या होगा, 2 की पावर 3 तो 8 लिख ही दूंगा, रूट 2 की पावर 3 भी अब इजीली आप लिख सकते हो, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, बोलो बत्तीस बटे 3
माइनस एट रूट टू स्क्वायर यूनिट, चाहे तो एट कॉमन निकाल देना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, समझ आ रहा है? बोलो हाँ हाँ भैया। चलिए तो एक काम करते हैं, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे अब क्वेश्चन नंबर फोर, देखो फोर तो मैं करूंगा, फोर के जैसा फाइव क्वेश्चन आप करोगे, क्लियर है? बताओ फोर करना है या फाइव करना है, कोई एक क्वेश्चन मैं करूंगा और एक क्वेश्चन आप करेंगे, फोर करना है या फाइव करना है, बोलो 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 जल्दी बोलो। फोर, चलो फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, सभी को क्वेश्चन नंबर फोर दिख रहा है, जैसा कि मुझे जो दिख रहा है वो इलिप्स की इक्वेशन दी है। अरे बेटा इलिप्स का एरिया भी निकालना है, अरे हाँ निकालना है, क्या दिक्कत है? तो इलिप्स का भी एरिया हम इजिली निकाल सकते हैं, ऐसे कैसे निकाल सकते हैं सर, ये तो मैं बताने जा रहा हूँ आप सभी को कैसे निकाल सकते हैं। डन, जैसे कि आप सभी ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर, सिर्फ इतना से क्वेश्चन दिया है तो उसको दोबारा से देखने की तो ज्यादा जरूरत है नहीं, घूर घूर के। क्वेश्चन नंबर फोर दिख रहा है, बोलो हाँ। और बचपन में आपने इलिप्टिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना सीखा था, पर हमने तो लेटेस्ट भी सीखा है, एक्स स्क्वायर बाई फोर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। और वाई स्क्वायर बाई थ्री का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। इज इक्वल टू वन। तो जब मैं इसकी, अब आराम से सोचो, इलिप्स जो है कहां से खींचेगा, एक्स एक्सिस की तरफ से खींचेगा या वाई एक्सिस की तरफ से खींचेगा, बोलो। एक्स एक्सिस की तरफ से, एक्स एक्सिस की तरफ से कहां पे कट करेगा, एक्स पे कहां पे कट करेगा, एक्स पे कहां पे कट करेगा, फोर। और वाई पे कहां कट करेगा, थ्री। x के नीचे होता है वो x इंटरसेप्ट कहलाता है, और जो y के नीचे होता है वो y इंटरसेप्ट कहलाता है। x की वैल्यू ज्यादा है तो यानी इलिप्स जो बनेगा वो अंडे की शेप में बनेगा, ठीक है? और जिसमें कि x इंटरसेप्ट, सभी को समझ आ रहा होगा कि x इंटरसेप्ट कितना आया था, 4। तो ये 4.0 हो गया, ये 0.3 हो गया, ये -4.0 हो गया, और ये 0.-3 हो गया। बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ भैया। यस सर। अब एक चीज समझना जरा सभी, अगर मैं ऐसे, हालांकि मैं ऐसी स्ट्रिप लूंगा नहीं समझाने के लिए, अगर मैं हॉरिजॉन्टली स्ट्रिप लेता हूं तो दायरा क्या लूंगा, हॉरिजॉन्टली स्ट्रिप लेता हूं तो 0 से 3। और अगर मैं वर्टिकली स्ट्रिप लेता हूं, वर्टिकली स्ट्रिप लेता हूं तो क्या लिखूंगा, ये सारा एरिया निकालना है, ये तो क्लियर है क्वेश्चन, ये क्लियर है, ठीक है? और हॉरिजॉन्टली स्ट्रिप लिया मैंने तो दायरा इसका कहां से कहां तक लूंगा, पहले तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए, क्या रिक्वायर्ड एरिया, तो 4 से इंटू होगा, तो मैं निकाल लो ओ ए बी सी ओ, मैं भी वो एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड, रीजन बाउंडेड कौन सा निकाल रहा हूं, ओ ए बी सी ओ निकाल रहा हूं, यानी वाई डी एक्स तो लिखना कंपलसरी अगर वर्टिकली स्ट्रिप ले रहा हूँ, और वर्टिकली किस लाइन पे टिकी भी है, मतलब ऊपर से अगर मैं पेंट बिखेरना शुरू करूंगा तो मैं कहां से कहां तक पेंट बिखेरूंगा ये बताओ, जिससे वो सारा पेंट बिखर के नीचे तक आ जाए, दायरा कहां से कहां तक लूंगा, जीरो से फोर। अगर सपोज इस स्ट्रिप, सपोज यहाँ पे ये 3 है, ठीक है, सपोज या 2 है, सपोज तो मैं 2 से 4 लेता ना अगर, तो इतना एरिया आ जाता, 0 से 2 लेता तो सिर्फ इतना एरिया आ जाता, 0 से 4 में सारा एरिया आ जाएगा, क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। देखो 4 मिनट में मुझे ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो ध्यान से समझते चलना सभी। अब y को खाली करना है तो y को खाली कहां से करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ है और इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये रही, तो y स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर यहां आ गया, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ गया, 4 का स्क्वायर एलसीएम हो गया। तो जैसे कि अगर आप देखें वाई इक्वल टू, जब मैं रूट करूंगा तो 3/4 रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है? बोलो हाँ। तो वाई की वैल्यू तसल्ली से खाली करना, अगर आपने गलती से भी गलती करी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 0 से 4, 3/4 कॉन्स्टेंट है, रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हालांकि अभी ताजा ताजा आज हमने इसी वीडियो के स्टार्टिंग में इस फॉर्मूले को याद भी किया था, पर कई जन अभी भी भूल गए होंगे, फिर भी उनकी वैल्यू याद दिलाने के लिए मैं क्वेश्चन फॉर्मूले को फिर से लिख देता हूँ। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताना चाहेगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बाई टू
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस टू। हाँ बेटे आज ही छा रही है, क्या बात है, मुरादनगर से आशी देख रहे हो, मोदी नगर मुरादनगर। x by 2 same plus a square by 2 sin inverse x by a, a क्या है 4। गलती से भी गलती मत कर देना, ये क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ भैया ठीक है। तो जैसा कि आप सभी अब देख पा रहे होंगे, पहले मैं अपर लिमिट अप हुआ 4 by 2 into 0 जाएगा plus 16 by 2 sin inverse तो 1 हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया, माइनस फिर 0 रखूंगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, sin inverse 0 की वैल्यू 0 थी, ये भी 0 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर 3 by 4 तो as it is ये 0 हो गया, 8 हो गया, और 1 को सीधा पाई बाई 2 लिख दो डायरेक्ट, sin inverse sin पाई बाई 2 ने लिख के पाई बाई 2 लिख दो, पाई बाई 2 लिख दो, पाई बाई 2 लिख दो, बोलो हाँ। तो काट पीट करने के बाद 3 पाई आया है, डन। पर ये रिक्वायर्ड एरिया नहीं है, रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा सोचो, रिक्वायर्ड एरिया आएगा 4 into 3 पाई, यानी आंसर हो जाएगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट। आया समझ, बोलो हाँ। हाँ भैया। किसको समझ नहीं आया है, जिसको समझ आ गया फटाफट हैंड रेस कीजिए, हैंड रेस कीजिए फटाफट, हैंड रेस कीजिए फटाफट, हैंड रेस कीजिए ना, हाँ जी फटाफट हैंड रेस कीजिए। आशी त्यागी, अंजलि चौहान, अंजलि वर्मा, अर्चना, यार कहाँ हो सारे, निहारिका, अंजलि चौहान, अंजलि चौहान सर जी, हैंड रेस नहीं हो रहा सर, वो आपने 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया है। गुड क्वेश्चन जी, डायग्राम में देखो मैंने कौन सा एरिया निकाला था, OABC होगा है ना। और क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से अगर आपको दिखाऊं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं एक बार चलते हुए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिखा है आपको, फाइंड कौन सा एरिया करना है, इलिप्स का, तो इलिप्स तो पूरे ही कहलाएगा, बोलो हाँ। यस सर। तो इलिप्स का एरिया निकालने के लिए एक एरिया आ गया और उसके जैसे 3 और हैं तो इनटू 4 करते ही 4 एरिया आ गए, समझ आ गया। ओके सर क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस सर क्लियर। देखिए 30 सेकंड में क्लास ओवर हो जाएगी, अगर अगेन हम दोबारा से क्लास ज्वाइन करेंगे अभी आज ही आज में, ठीक है, प्लीज 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 सभी ध्यान रखना, अभी क्लास ओवर हो जाएगी, फिर से क्लास ज्वाइन करनी है अभी, अभी हम और पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ दीदी, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी है वर्टिकल। अब आने वाले क्वेश्चनों में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको, ये वाला 20। अब जो मैं सर, हाँ जी सर, लिमिट में प्रॉब्लम है कि कहाँ से कहाँ तक की लिमिट लेनी है आने वाले।